मेरी सुबह कुछ ऐसे होती है इन लोगों के साथ। मेरी सर्जरी पोस्टिंग चल रही है तो मुझे जल्दी जल्दी तैयार होकर जाना है। एंड आई I'm एम so रियली sleepy. टायर्ड, वेरी स्लीपी, लेकिन जाना तो है। Today's Saturday. Most of the people don't even have to work on Saturday. आठ बज रहे हैं और इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, मैं बता नहीं सकती। यार करानी खुद होती है। बल्लभगढ़ में तो तुम्हें ड्यूटी रूम JR मिल जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद तुझे नर्सेस मिल जाएंगी। तो रहते हैं लोग, ऐसा नहीं है, नहीं तो अगर तुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। सर्जिकल वार्ड है वहाँ पर जाना है। सो अरे सिटी फार फ्रॉम हियर। आज सैटरडे है, आज सुबह ज़्यादा प्लान है। इट्स जस्ट आई शुड गेट फ्री रियली अर्ली हियर। उसके बाद फिर आई एम प्लानिंग टू गो आउट एंड ईट सम नाइस फूड। सो अभी चलते हैं सर्जिकल ब्लॉक। आपको शायद मैंने अपने वीडियोस में दिखाया होगा कि सर्जिकल ब्लॉक कहाँ पर है, और अगर नहीं देखा आपने तो आप भी अपने हॉस्टल से निकले और मैं जा रही हूँ। ये रास्ता वही है जहाँ बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता है, बट मैं बॉयज़ हॉस्टल नहीं, मैं डेंटल के थ्रू अंदर जाऊँगी। चलिए चलते हैं। सही दिखता है ना, बिल्कुल एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल के जैसा। वो जो आप दूर में देख रहे हैं वो हमारा सर्जरी का ब्लॉक है, वहीं जाना है मुझे। जो है बेसिकली वो हम CBC के लिए बेचते हैं, और जो हमारा येलो वाइल होता है वो उसमें अगर हमें LFT RFT प्रोटीन वगैरह कराना है तो उसके में उसके लिए बेचते हैं, और अगर लगा लीजिए कोई हार्मोन वगैरह के लिए भेजना है तो उसके लिए भी हम येलो वाइल भेजते हैं। अगर यही हमें सर अगर कहते हैं R3 है तो हम फिर जो है PTINR के लिए भी हम सैम्पल भेजते हैं, जो कि हम ब्लू वाइल में भेजते हैं, जो आपका
स्काई ब्लू कलर का होता है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हम जो है जो नीडल्स हैं और जो हमारे यूज्ड सिरिंज हैं उसको हम सही डस्टबिन में डालें, जैसे कि जो शार्प चीज़ें होती हैं उससे हमें जो प्लास्टिक बॉक्स है उसमें डालना होता है, और जो हमारा ये जो ग्लव्स है और हमारा सिरिंज है उसको येलो रेड बिन में डालना होता है, और ये जो बाकी की वेस्टेज होता है जैसे पेपर वगैरह वो हमें डालना होता है नॉर्मल बिन में जो हम डालते हैं। तो आज काफ़ी सारे सैम्पल्स लेने के लिए थे, सो इट वाज रियली नाइस डे। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ कुछ सैम्पल्स नहीं आते, जैसे कुछ पेशेंट्स के वेन जो है प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं, तो फिर उसमें मैं एक दो बार ट्राई करती हूँ, नहीं होता है तो फिर मैं फिर सर को बोलती हूँ, उसके बाद फिर हमें यहाँ पर आना होता है, सैम्पल सारा मैं ले लेती हूँ, उसको नंबरिंग कर लेती हूँ कौन किसके बैठता है, उसके बाद हमें जो है ये बारकोड सारा निकालना होता है। तो इस टाइप से हम जो है बारकोड निकालते हैं, और उसके बाद फिर मुझे सर ने बुलाया एक प्रोसीजर के लिए जिसमें सर ड्रेनेज कर रहे थे। एक पेशेंट था जिसको हम सर ने यूरो बैग लगाया था, उसके उसके इंटेस्टाइन में कुछ एडिशंस थे, स्ट्रक्चर्स थे, तो उसे कम्प्लीटली मिडलाइन इंसिजन देके ओपन किया गया था, और यहाँ पे रोज़ इनकी ड्रेसिंग की जाती है। तो मैंने पहली बार ये चीज़ में असिस्ट किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया। एंड फिर यहाँ पर एक डायबिटिक पेशेंट था जिसके जिसका जो है टो जो है एम्प्यूटेशन किया गया था, और उसमें थोड़ा इन्फेक्शन था, तो इसीलिए उसकी भी रोज़ ड्रेसिंग की जाती है। तो ये जो है हमारा पेशेंट है जिसका जो हमारे JR हैं वो अभी करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू असिस्ट। तो मैंने एक एक टो का किया था और बाकी फिर मैंने असिस्ट किया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस हियर। और इंटर्नशिप में बेसिकली यही सब करना होता है, और हमें माइनर OT भी जाना होता है कुछ प्रोसीजर्स देखने के लिए, सो उसकी वीडियो मैं आपको कभी और दिखलाऊंगी। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं लगभग 12 बजे फ्री हो गई थी, सो आई वॉज रियली हैप्पी। हो गई ना फ्री, आज मैंने बहुत सारे सैम्पलिंग करे, बहुत सारे बारकोड्स निकाले, एंड ड्रेसिंग किया सर इन वन ऑफ द प्रोसीजर, सो आई एम रियली हैप्पी टुडे, दिस डे वाज टोटली वर्थ इट। ये न्यू OPD वाला एरिया है जहाँ पर सर्जिकल पेशेंट्स को देखा जाता है, ये बहुत दूर पर है। That's not my cat. That's the mother of my cats. Let's see where are my cats. They're not here. चलो अंदर चलते हैं। कहाँ है तुम्हारा भाई? Nescafe to meet Mallika. बाल धोने के लिए मैंने पानी भर कर लाई हूँ मीठा वाला, और इतना गर्म है कि मैं बता नहीं सकती, आइस पैक डाली हूँ फिर भी नहीं हुआ है ठंडा। मैंने ये नया एपिलेटर खरीदा है, मैं बता नहीं सकती है कितना पेनफुल है, लेकिन वही है भाई, तुम वैक्सीन कराने जाओ फिर देखो कितने पैसे लगते हैं, उससे अच्छा ठीक है थोड़ा दर्द होगा बट काफ़ी वर्थ इट है। आज फाइनली मैं अपना ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा तो आपने देखा होगा कि ये ड्रेस मैंने कब खरीदा था, अगर याद है तो कमेंट में बताओ ये कब खरीदा था। How do I look? बाबू कहाँ तू?
5:30 and now he came. I was really worrying about him. More dirty. I'll show you one thing what my cat did. I just opened this almira door to take out something and look at this. Hey, come out. Come out. Just leave the door this wide so that he could come out whenever he wants. मुझे जाना है एक दोस्त से मिलने के लिए और ये लोग अभी आए हैं रूम में, तो मैं इनको यहीं पर छोड़ के जाने वाली हूँ. ये अब ये दोनों सो जाएंगे. सो मेरे पास कुछ थोड़ा टाइम था तो थोड़ा बहुत नेल पेंट लगा लेती हूँ जन्मों बाद. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Never be the same. Cause that's what it takes.